इंदौर में फिर भीभत हत्याकांड का मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के शक में युवक के मारपीट के बाद हत्या आरोपियों ने शव को ड्रम में भरकर जलाया। आरोपी क्षेत्र का कुख्यात जिला बदर बदमाश। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ एक युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देखिए ये जो पूरी घटना है, ये 25/11/2021 को एक भूपेंद्र उर्फ चिंटू वर्मा की गुमशुदगी से जुड़ी हुई है। ये दिनांक 25/11 को थाना द्वारकापुरी में चिंटू वर्मा की गुमशुदगी कायम हुई थी और उसके बाद से पुलिस द्वारा उसकी तलाश करने के प्रयास किए जा रहे थे। फिर पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा, मुखबिरों से माध्यम से मालूम पड़ा कि जो नारायण वर्मा है उसका और मृतक का घटना के दिन झगड़ा हुआ था और उस पर से फिर पुलिस ने नारायण वर्मा को पकड़ा और उसके एक और साथी को पकड़ा और उसके बाद में पूरी चीज़ क्लियर हुई कि ये जो नारायण वर्मा ने घटना के दिन एक मित्र के माध्यम से मृतक को बुलाया था और बुलाने के बाद में उसको अपनी छत पर ले आकर वहाँ पर उसको पहले मारा था और बाद में जलाया था। सर किस तरह से जलाया गया है? देखिए सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी चीज़ें अभी जब तक पूरी क्लियर नहीं आती है बता पाना संभव नहीं है। इंटरोगेशन के बाद में और जब तक सारी चीज़ें मिल जाएगी जब पुलिस को विस्तृत आप लोगों के सामने बताया जाएगा। वजह क्या बनी है? लड़की की वजह सामने आ रही है। वजह बिल्कुल यही बात है कि जो मृतक की एक फ्रेंड थी और नारायण वर्मा के साथ उससे संबंध थे, तो नारायण वर्मा जो मुख्य आरोपी है उसको लगता था कि ये जो मेरी फ्रेंड है इसके संबंध मृतक के साथ में, इसी बात को लेके वो हमेशा उस लड़की को भी परेशान किया करता था और मृतक को भी परेशान किया करता था। सर क्या लाश मिल रही है? जो शव डेड बॉडी सर इन्होंने कह दे चुपाई मतलब कहाँ वो उस सब के बारे में इंट्रोगेशन चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना जारी रखे हुए है और जल्द ही पुलिस आपके सामने पूरे केस को एक सही ढंग से पूरा विस्तृत ढंग से आपके सामने लेकर आएगा। आरोपी पुलिस के हिरासत में, दो आरोपी नारायण वर्मा और अनुराग, ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है। सर क्या इनके ऊपर पहले भी अपराध दर्ज हैं? किस तरह के अपराधी हैं? जी हाँ, वो अपराध दर्ज है और इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सर लड़की का कोई रोल इसमें? जी नहीं।